तो ये बात है उस जमाने की। ओके। तो मैंने सोचा हमारा स्टोरी टाइम वाला जो इंट्रो है वो काफी ज्यादा पुराना हो चुका है और रीमेक का जमाना है, तो क्यों ना हम भी एक रीमेक बनाएं। ओह शिट। आज मंगलवार है, आज संडे है वैसे, स्टोरी टाइम का वार है और मुझे गिटार बजाना अब भी नहीं आता। बे साले। स्टोरी टाइम, इट्स स्टोरी टाइम, इट्स स्टोरी टाइम। बिल्कुल चुप। तो पिछली स्टोरी टाइम वीडियो की तरह इस वीडियो के भी मेन कैरेक्टर जो है वो है मेरे पिताजी, एके मिस्टर भोलू। अब एक जो ग्रोइंग टीनेजर्स होते हैं ना, उनमें एक चुल होती है कि यार उनको हर एक चीज ट्राई करनी होती है, सैवेज बनने के लिए, थग बनने के लिए सही, बट दे आर लाइक। तो अब भोलू जो है वो भी इस फेज में ही है, सिक्स क्लास का भोलू हर एक चीज ट्राई करना चाहता है, पीयर प्रेशर कह लो, बैड इन्फ्लुएंस के चलते कह लो, लेकिन अब उसको भी भाई सैवेज बनना है। अब मेरे दादाजी जो थे वो एयरफोर्स में थे एंड उनकी पोस्टिंग आसाम में हो रखी थी, इसीलिए मेरे पापा जलंधर में अपनी नानी के घर पे रहते थे एंड पापा के मामा जी जो थे उनके बेटे का नाम था काड़ा। अब उसने पापा एक ही ना होया, तो पापा बोले हाँ ए ही ना सी होता। पापा सीरियसली काड़ा ये कैसा नाम हुआ? प्यार के नाम है काड़े, टिक्की टिक्की टिक्की, अब काकू, ये सब प्यार के नाम है भाई, किन के होते हैं ऐसे ना, मैंने तो कभी नहीं सुना। पे चलते तो काड़ा एंड भोलू जो थे ये बेस्ट फ्रेंड्स थे, क्योंकि वो सेम एज के थे, साथ में सेम स्कूल जाते थे, साथ में खेला करते थे, सो दे वर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। अब पापा बताते हैं कि उनके घर के पास हर सैटरडे को कुश्ती हुआ करती थी, जहाँ पे दो लोग एक दूसरे से लड़ते थे एंड स्पेक्टेटर्स जो थे जीतने वाले को खुश होके पैसे दे देते थे। तो इन दोनों ने प्लान बनाया, क्योंकि देवर लाइक हमें पैसे चाहिए, तो इनका प्लान सुनो। मिस्टर काड़ा जो थे वो हाइट में थोड़े से छोटे थे एंड थोड़े से कमज़ोर से थे एंड मिस्टर भोलू जो थे मेरे पापा वो काफ़ी लंबे थे हाइट में एंड काफ़ी चौड़े थे। तो पापा का प्लान था कि काड़े हम दोनों वहाँ पे जाके एक दूसरे से कुश्ती करेंगे एंड मैं ना तुझसे हार जाऊँगा। तो होगा क्या, लोग हैरान हो जाएंगे कि अरे ये इस छोटे से कमज़ोर से इंसान ने इतने लंबे अच्छे खासे हट्टे कट्टे इंसान को हरा दिया है, तो शायद खुशी के मारे हमें ज़्यादा पैसे दे देंगे और फिर उस पैसे की मस्त पार्टी करेंगे। पैसा ही पैसा होगा, मतलब तुम देख रहे हो छठी क्लास की एज में भी इतने तेज, बहुत तेज हो रहे हैं। एनीवेज तो ये दोनों वहां पे गए एंड एज पर द प्लान इन्होंने कुश्ती करी एंड मिस्टर काड़ा जो थे उन्होंने पापा को पटक के हरा दिया। अब सारे हैरान तो हुए कि अरे ये इस छोटी सी हाइट वाले ने इतने लंबे इंसान को हरा दिया, लेकिन पैसे कुछ नहीं दिए, बदले में इनको मिले वहां से सिर्फ 25 पैसे। इनके तो सपने चकनाचूर हो गए, ये तो वहां पे सोच रहे हैं पैसे वैसे कमा के पार्टी करेंगे, 25 पैसे में क्या मिलने वाला था। अब आई डोंट नो, हो सकता है उस वक्त के हिसाब से 25 पैसे भी शायद ठीक ठाक अमाउंट होती हो, लेकिन यार सिर्फ 25 पैसे, अजी शॉक लगा है शॉक। एनीवेज उसके बाद मिस्टर भोलू और मिस्टर काड़ा अपना सा मुंह लेके रवाना हो लिए वापस घर की टूवर्ड्स एंड बहुत ही उदास थे दोनों और रास्ते में बस यही सोच रहे थे कि यार 25 पैसे मिले हैं सिर्फ, करेंगे क्या इस 25 पैसे में, पार्टी तो अब होने से रही। एंड तभी इनको रास्ते में दिखती है चाय सुट्टे की एक टपरी, तो इन्होंने कहा चलो इस टपरी पे ही चलते हैं, देखते हैं 25 पैसे में जो भी मिलता होगा वही खरीद लेंगे यहाँ से। तो ये गए और दुकानदार को बोला कि भाई 25 पैसे में बता दे क्या मिलता है, तो कह रहा है सोचने के बाद बोलता है भाई 15 पैसे का सुट्टा मिलता है, 15 पैसे की एक सिगरेट मिलती है। तो अब इन्होंने सोचा यार 25 पैसे में वैसे भी कुछ और तो मिलना है ही नहीं, तो एक काम करते हैं ये सुट्टा ही खरीद लेते हैं। तो इन्होंने वो सिगरेट ली, इसलिए नहीं कि इनको पीनी थी, इसलिए ताकि ये उस सिगरेट को अपने कान के ऊपर रख के फैशन दिखा सके, भाई लिटरली शो ऑफ करने के लिए इन्होंने वो सिगरेट खरीद ली अपने कान के ऊपर रखने के लिए। मेरे पापा मामा के घर पे जहाँ पे रहते थे उन्होंने बताया कि सामने जो है कारपेंटर वगैरह जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करते थे वो लोग ना कान के ऊपर ऐसा पेंसिल लगा के कभी सुट्टा लगा के कुछ भी ऐसा घूमते रहते थे, और मेरे पापा को वो चीज़ बड़ी फैसिनेटिंग लगती थी, बस पता नहीं कैसे किसी को ये चीज़ फैसिनेटिंग लग सकती है, पर पापा को वो चीज़ ऐसा लगता था भाई बड़ा शो ऑफ, ऐसा शो ऑफ करने के लिए ना बड़ी सही चीज है ऐसा कान के ऊपर लगा के घूमने के लिए। तो उन्होंने सुट्टा खरीदा और उसको उठा के अपने कान के ऊपर रख लिया और ऐसा भाई पूरा सैवेज ऐसा थग वाली फीलिंग ले रहा है, ओ याद रखो मेरा कान के ऊपर मैंने सिगरेट रखी हुई है, मैं किसी फिल्म स्टार से कम हूं क्या। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा सही उन्होंने सोचा होगा और अपनी थग लाइफ दिखा के ये लोग वहां से निकल गए। निकल तो गए
लेकिन जो शो ऑफ के लिए इन्होंने सिगरेट अपने कान के ऊपर रखी थी ना, ये उसको उतारना भूल गए। अब मस्त टहलते टहलते आधे पौने घंटे के बाद ये दोनों काड़ा एंड मिस्टर भोलू जो है अपने घर के पास पहुंचते हैं, जहां पे इनके कोई बड़े भैया जिनको हम बुलाते हैं मिस्टर कुकी। तो मिस्टर कुकी जो है वो इनके बड़े भाई थे एंड ये वहीं पे उनको मिल गए। तो बात करते करते मिस्टर कुकी ने पापा के कान के ऊपर जो सिगरेट लगी होगी वो उन्होंने देख ली। तो उन्होंने कहा, ओए बोलू है तेरे कान पे की लगी है? तो मेरे पापा कहते, ओ अच्छा, उनको एकदम से रियलाइज हुआ कि सिगरेट लगी हुई उनके कान पे। तो उन्होंने क्या करा, ये नहीं क्या डर गए या कुछ भी, सिगरेट उतार के कुकी से पूछते हैं, लो पी लो, लगा के देखिए, ट्राई करके देखिए। कहते लो, उनको ऑफर कर रहे हैं, लो आप पी लो। तो कुकी वाज लाइक, अरे तेरे पास सिगरेट कहां से आई? मतलब अब तुम सोचो, एक छठी क्लास के बच्चे के हाथ में तुम सिगरेट देखोगे तो तुम तो शॉक हो ही जाओगे ना। अब कुकी ने अपने छोटे भाई के हाथ में छठी क्लास के बच्चे के हाथ में सिगरेट देगी, वो तो दंग रह गया। कुकी वाज लाइक, ओ बोलू तेरे को सिगरेट कहते हो भाई? ऐसा ही कुछ पंजाबी में बोला होगा। तो बोलू भाई, वो ऐसे ही बोलू नाम के बोलू नहीं थे, वो सच में बोलू थे। वो कह रहे वो ऐसी 25 पैसे सानू जेड़े वो कुश्ती तो ले सी, तो फिर सानू टपरी तो है 15 पैसे दी सिगरेट चक ली और स्वैग दिखान ली। अब मतलब उन्होंने बोला कि हमने ये सिगरेट उठा ली ऐसे ही बस सैवेजरी, ऐसे थग लाइफ दिखाने के लिए। अब तुम सोचो कोई भी इस बात पे बिलीव करेगा? कोई नहीं करेगा ना ऑब्वियसली। तो कुकी ने भी नहीं करा, और कुकी बींग द बड़े भाई उस जमाने में तो भाई कोई सोचता पूछता भी नहीं था, पता नहीं बिना बात के बच्चों को पीटना भी शुरू कर देते थे। तो पापा ने बताया कि पहले तो कुकी ने उनको मारा, उसके बाद घर गए तो उनके मामा जी ने उनको मारा, रात को बड़े मामा जी आए तो बड़े मामा जी ने भी मारा। कह रहे उस दिन इतनी पिटाई पड़ी सिगरेट पीने की वजह से, ना पीने की वजह से, एक्चुअली सिगरेट का पी उन्होंने, वो तो सिर्फ ऐसा दिखा रहे थे, शो ऑफ कर रहे थे। फिर कानों पे सुट्टे लगा के घुमा करते थे। अरे एक बार लगाया था सुट्टा तो इतनी मार खाई थी, उसके बाद कानों को हाथ लगाया, कभी भी नहीं अपने करा ऐसा कुछ। पक्की बात है? एक सेकंड, ये इधर घूमना, ये कान पे क्या रखा हुआ है? ये क्या भाई, ये तो पेन है। तो पेन क्या रखा हुआ है कान पे? सुट्टे लगाने पे मार पड़ती है, पेन लगाने पे एंड आई होप आप में से जो लोग देख रहे हैं जो एक्चुअली सिगरेट स्मोक करते हैं, या फिर आपकी फैमिली में अगर कोई स्मोक करता है, सो यू ऑल्सो हैव द स्ट्रेंथ टू गेट रिड ऑफ दिस वेरी बैड हैबिट। सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकते हैं। हमने वीडियो का स्टार्ट जो है वो गिटार के साथ किया था, तो अभी एंड भी वैसे ही करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, मुझे पता है मुझे गिटार बजाना नहीं आता, फिर भी हूँ मैं बजाता क्योंकि मेरी मर्जी। वीडियो को लाइक करना, लाइक कर नहीं तो मौत मिलेगी। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब ये सुन के मेरे को अनसब्सक्राइब मत कर देना, मैं सीख रहा हूँ, सीख जाऊंगा मैं, कभी ना कभी तो सीख जाऊंगा।